हेलो एवरीवन, लर्निंग पॉकेट के शानदार जेंगो सीरीज़ के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ जेंगो एंड व्हाई वी यूज़ जेंगो। साथ ही साथ हम जो सिंपल ब्लॉग प्रोजेक्ट जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था उसका सेटअप भी करेंगे, उस प्रोजेक्ट का सेटअप भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जेंगो क्या है। तो जेंगो इज़ अ हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क जो दैट इनकरेजेज रैपिड डेवलपमेंट एंड क्लीन प्रैग्मेटिक डिज़ाइन। ठीक है, जेंगो को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये रिडिकुलसली फास्ट है, रीअसिंगरली सिक्योर है एंड एक्सीडिंगली स्केलेबल है। ठीक है, इसकी बहुत सारी फीचर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैकेजेस आपको मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए। ठीक है, देखते हैं जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन को। तो जेंगो ने बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, पूरे स्क्रैच से दे रखा है कि इंस्टॉलेशन वगैरह क्या है, ट्यूटोरियल दे रखा है इन्होंने। ठीक है, एडवांस ट्यूटोरियल्स भी हैं, मॉडल्स के बारे में बता रखा है इन्होंने, व्यू लेयर के बारे में बता रहे, टेम्पलेट्स को कैसे चेंज करना है, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बता रखा है, फॉर्म्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो हम सीधा देखते हैं कि हम अपना जो सिंपल ब्लॉक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसका सेटअप वगैरह कैसे करना है। ठीक है, तो अपने चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। डेस्कटॉप मैंने एक फोल्डर बना रखा है जेंगो ब्लॉक प्रोजेक्ट का, इसको खोलते हैं और इसमें खोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप सिंपल लिखना है CMD, ये आपका खुल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट इस फोल्डर के अंदर। आपको क्या करना है कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। ठीक है, आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करोगे आप उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही करोगे। मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप बिना वर्चुअल एनवायरनमेंट के जेंगो में काम नहीं करना। ठीक है, जेंगो को वर्चुअल एनवायरनमेंट के बिना कभी मत चलाना। ठीक है, तो हम करते हैं pip install virtual env। ठीक है, आपको पहले इंस्टॉल करना होगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। फिर आपको क्या करना है कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए कमांड क्या होता है कि पाई माइनस एम वर्चुअल ENV, सॉरी वर्चुअल ENV और एनवायरनमेंट का नाम मैंने ENV दे रखा है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा ENV नाम से। ठीक है, अभी क्या करना है मेरे को, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट जो ENV नाम दिया है मुझे, इसको एक्टिवेट करना है। तो इसमें कमांड क्या होगा, env /scripts/activate। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ENV एक बन गया है। ठीक है, यानी कि मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो गया। अब क्या करना है आपको कि आपको जेंगो इंस्टॉल करना है इसमें। ठीक है, ये भी एक पाइथन का पैकेज है, तो pip install जेंगो लिखेंगे, यहाँ पे अपना हमारा जेंगो इंस्टॉल होने लगेगा। और जैसे ही हमारा जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा हम अपना जो ब्लॉग प्रोजेक्ट है उसका सेटअप करेंगे। ठीक है, कुछ सिंपल कमांड्स हैं उनके थ्रू आराम से अपना प्रोजेक्ट का सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है मेरा जेंगो। ठीक है, अगर आपको बारे में pip नहीं पता है तो आप गूगल कर लेना, ये पाइथन इंस्टॉल पैकेज होता है। ठीक है, एक पाइथन के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए हम pip का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे कहना है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ये कमांड होता है कि हम बोलते हैं जेंगो के एडमिन को कि हमें एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करके दो, उसका नाम क्या दे रहा हूँ मैं, जेंगो ब्लॉग। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे एक गलती की मैंने कि ये मैंने बना तो दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये कई सारे फोल्डर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो जबकि मुझे क्या चाहिए कि सेम डायरेक्टरी के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसको डिलीट करूँगा, मैं वापस से सेम कोड को रन करूँगा बट सम चेंजेस के थ्रू। ठीक है, चेंज ये है कि मैं .forward/ यूज़ करूँगा। अब क्या है कि मेरे को सेम डायरेक्टरी में यहाँ पे फाइल्स बन जाएंगी। ठीक है, अब ये पूरा आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, अब आपको इसे रन करना है तो हम मैनेज फाइल के थ्रू रन करते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या होता है, पाइथन मैनेज .py रन सर्वर। ठीक है, मेरा एक लोकल पोर्ट पे सर्वर खुल जाएगा, ये इसे आपने सिंपली कॉपी करना है और अपने क्रोम पे पेस्ट करना है। ठीक है, ये बोलेगा द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब आपने जेंगो को इंस्टॉल बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे किसी भी ऐप को बना सकते हो, मतलब आप इसमें ऐप कैसे बनाओगे, टेम्पलेट्स वगैरह कैसे रेंडर कराओगे। ठीक है, वेब पेज पे आप कैसे काम करोगे, साथ साथ इन फोल्डर्स के अंदर क्या होता है वो सब भी हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा मैं कि आप VS कोड डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा कोड एडिटर होता है, हम भी इसी कोड एडिटर को फॉलो करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। आप विंडोज़, लिनक्स और मैक के लिए आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये SQLite क्या होता है। ठीक है, इन फोल्डर्स को वो देखेंगे, सेटिंग्स क्या होती है, URLs क्या होते हैं। ठीक है, सब कुछ देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब अगर आप कुछ अगर एरर फेस हो रहा है, मतलब अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करने में या फिर एक्टिवेट करने में, तो आप कमेंट करके बताओ। ठीक है,
बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इस जेंगो की शानदार सीरीज़ का आनंद उठा पाए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।